bowling side, and we learn lots of things from that game, and we will try to utilize in the next game. I think it was a good game. Just a few too, not enough runs, but you got very close with the bowling effort, didn't you? Yeah, I think we discussed all the things like what we did mistakes in the batting, and we will try to do better. And yeah, the bowling effort was fantastic, and we will try to, you know, do it again. And the conditions in Melbourne, that is the good bounce in the pitch for your fast bowlers, yeah? Yeah, honestly, the pitch was good the way we was expecting much from that pitch, but I guess it was a nice pitch, and the way our bowlers they bowl, I think all of them they bowl just outstanding, and I guess credit goes to them, they bowl really well. And the fast bowling is obviously your strength. You probably look at the same sort of lineup here for Adelaide, do you know? Our strength is you know, our whole team, like we have to bat well and then we have to bowl well. So yeah, we have some quality batsmen as well, and we have a good bowlers as well. So we will fight in the next game, and we will try to you know, win, because we always play for win. नसीम, सबसे पहले तो फैन सारे कंसर्न्स थे कि आप क्योंकि अपना 10 ओवर का कोटा नहीं पूरा कर सके थे, तो अपना हेल्थ की अपडेट दीजिए कि अल्लाह इवन हमने आपको फुल स्ट्रेंथ में गेन करते हुए भी देखा है, बट आपसे सुनना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये क्रैम्स तो ऐसी चीज़ होती हैं कि ये किसी भी टाइम किसी भी यू नो फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो आ जाते हैं। इवन जितना मर्ज़ी भी आप फिट हो, लेकिन क्रैम्प ऐसी चीज़ है कि आपको पता नहीं होता, सडनली आते हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिकवरी में। कुछ 25-30 मिनट भी आपको मिलते हैं उसी जगह पे, तो वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ इतना टाइम नहीं था, एंड आफ्टर दैट ये था कि रिकवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम, पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ शो की है, एक महदूद से टारगेट को आप लोगों ने बहुत मेहनत से डिफेंड करने की कोशिश की, और खैर आप जीत नहीं सके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम दूसरे वनडे मैच के लिए आई है, तो एक तो आप लोगों का जोश और जज्बा कैसा है, और क्या वो एक थोड़ी सी खलश है कि हम एक लाइन अधूरी छोड़ के पूरा नहीं कर सके, मैच नहीं जीत पाए? देखिए, बिल्कुल जीत के बहुत करीब थे, और इसी तरह के मैचेस से आप सीखते हो। आई गेस जो चीज़ें गलती हुई है, क्योंकि आई बिलीव हम जीत के बहुत करीब थे, और इस तरह के जो मैच होते से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और आपको एक उम्मीद भी होती है कि यू नो जिस तरह हम खेले हैं, तो आई थिंक पूरी टीम ने मिल के बात की है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको बेहतर कर सकते हैं, और नेक्स्ट मैच में कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को अप्लाई करें और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें और जीतें। नसीम, आप पहले मैच में हमने देखा कि जो फास्ट बॉलर है ना, वो ज़्यादा बाउंसर कर रहे थे, शॉर्ट बॉल कर रहे थे, लेकिन उसमें गेम प्लान क्या था? मतलब यॉर्कर की तरफ हम बहुत कम गए हैं, उसमें गेम प्लान क्या था, क्या प्लानिंग की थी हमने, किस तरह करना? देखिए, चीज़ें ऑब्वियसली मैच के बाद ऐसे ही लगते हैं हमेशा। हम भी जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम खुद भी सोचते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन आई थिंक देखें वो सारे फिट किए, वो जो जो पिच के हिसाब से जो जो रिक्वायर्ड था कि जो लेंथ बॉल था, वो इतना कुछ हो नहीं रहा था जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीम स्विंग होगा, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं हो रहा था। और आई थिंक अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जितने भी थे वो शॉर्ट पिच पे आउट हुए थे, तो अच्छा प्लान था। यस, बीच में थोड़े लेंथ बॉल भी किए, लेकिन यही है कि आप इसी तरह के मैचेस से सीखते हो। जितना क्लोज मैच हुआ, तो उम्मीद है कि इस मैच में और बेहतर करें और यू नो उस लाइन को क्रॉस करें। अच्छा नसीम, ये बताइएगा, आपने बैटिंग बड़ी अच्छी की, तो हमने अमूमन इससे पहले भी देखा है कि बहुत टफ टाइम में, मुश्किल टाइम में जब टीम होती है, तो हमारे जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग तो अच्छा करते करते हैं, साथ बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो उसके तल्लक क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल से बाकी भी जो हमारे टेल हैं उनकी यही सोच होगी कि जब टीम आपकी यू नो आपके आउट हुए होते हैं, 5-6-7 आउट हुए होते हैं, तो उस टाइम पे जो अपोजिशन होती है वो यही सोचते हैं कि बस अभी ख़त्म हो जाएंगे, अभी ख़त्म हो जाएंगे, और उस टाइम पर जो भी आप पार्टनरशिप करते हो तो अपोजिशन को बहुत ज़्यादा गिराते हैं, और वो पार्टनरशिप उनको हर्ट करते हैं। तो आई थिंक मेरा हमेशा ये बिलीफ होता है कि जब भी मैं क्रीज पे जाता हूँ, तो मैं अपनी विकेट को ये समझता हूँ कि आसानी से नहीं देना, और अपना फुल एफर्ट करना है, फ़ाइट करना है जब तक मैं खेल सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ, और ऑब्वियसली उसी से ये होता है कि एंड ऑफ द डे आपकी टीम को फ़ायदा होता है। नसीम,
ये बताइएगा कि कौन सा प्लेयर आपका स्पेशल टारगेट होगा इस देखिए स्पेशल एक प्लेयर टारगेट करने से ऑब्वियसली वो अचीव नहीं होता जो आपका टारगेट है। टारगेट यही है कि हम यहाँ पे आए हैं अच्छा क्रिकेट खेलने और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम अगले मैच में अच्छा करें फाइट करें और ऑब्वियसली जीत के लिए खेलते हैं तो जीत ही टारगेट है हमारे। नसीम ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में एक मैच आप लोगों ने खेल लिया है ये बात ठीक है कि ये बैटिंग पैराडाइज नहीं है? आराम से पूछ ले पूरा पूछ ले विकेटें जो हैं वो बैटिंग पैराडाइज तो नहीं है तो एडिलेड का विकेट भी आपने देखा है उसी तरीके से एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं और लो स्कोरिंग वनडे मैच होगा? देखिए एडिलेड के नॉर्मली जो पिचेस होते हैं जिसके बारे में हमने सुना है कि अच्छे पिचेस होते हैं और मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा। पिच ऑब्वियसली दोनों के लिए वही एक ही पिच होते हैं और कोशिश होगी कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। पिच जैसा भी है एंड ऑफ द डे आपको अपनी बेस्ट बॉलिंग करनी होती है और जो आपकी बेस्ट बैटिंग है वो करनी होती है पिच जैसा भी हो तो वो यू नो, जब आप पिच पे बॉलिंग करते हो और बैटिंग करते हो फिर ही पता चलेगा सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से कि एक अच्छा मैच होगा और उम्मीद है कि हम अच्छा खेलेंगे। थैंक यू।